खबर टीकमगढ़ से है, जहां पर किसानों की 50 एकड़ जमीन पर भूमाफियाओं के द्वारा धोखाधड़ी से सीमांकन करने का मामला सामने आया है। यहां बलदेवगढ़ तहसील के बेसा गांव के ग्रामीणों ने जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर को मामले की शिकायत की। उन्होंने कहा कि गांव के नामी बदमाश ने रामदयाल लोधी और तनय पंचू लोधी और केशव लोधी ने एक दर्जन से अधिक कृषि भूमि का सीमांकन 2007-2008 में करवाया था, जिसकी किसी भी किसान को खबर तक नहीं हुई। वही मामले को लेकर किसानों ने विधायक पर भूमाफियाओं को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भूमाफियाओं ने जमीन को छल कपट कर राजस्व अधिकारियों को लंबी रिश्वत देकर धोखाधड़ी से सीमांकन करवाया और गरीब किसानों को झूठे मामले में फंसा रहे हैं, जिसमें से उन्हें माफियाओं से जान का खतरा बना हुआ है। जमीन का बंटवारा साहब मैं बाहर था उस समय, उस समय मेरे साहब खाते अभी बंटवारा ऐसा करवाया है कि जहाँ पर हम जमीन अभी भी जमीन ले रहे हैं वहाँ पर हमारे रिकॉर्ड में नहीं है, दूसरे नंबरों में कर दिया है। नेता का तो हाथ है, इसलिए तो ऐसा स्थिति में नहीं किया जा रहा है। कौन हो सकता है इसमें? राहुल सिंह विधायक हो सकते हैं और कोई नहीं। गांव है लेकिन नहीं, गांव में ही विवाद बना रहा है वो तो सब चीज का। पता नहीं क्यों उठा रहे हैं, क्या कारण है भाई? दूसरों की सुनना हमारी नहीं सुनना है। हम भी विधायक जी को दे चुके, कुछ नहीं सुनाइए। बेबी गोलमाल कर रहा है, दो चार दिन टहलाते रहे, फिर गोलमाल और करने लगे।